Good morning, kids. Today we are going to do the match the following question. Now, as you all can see here, 7 tens and 2 ones. So, jab 7 tens or 2 ones milte, it will make 72. So, as you all can see here it is. So, we have to match it with the correct number. Same way, 7 tens and 6 ones. So, here it is. 76. तो जब 7 tens और 6 ones मिलते, it will make 76. Same way, 7 tens and 8 ones. तो here it is 78. So we'll match it with 78. The last one, 7 tens and 4 ones. So it will make 74. So we'll match it with 74. Now here, you can see the expanded form of the number, and here the numbers are given के 71 है. तो 71 को अगर हम expand करेंगे यहाँ पे 7 tens की place पे तो 70 होगा और ones पे place पे तो 70 plus 1. Find out where is, here it is. So we'll join with 70 plus 1. Same way 74. तो 70 plus 4. तो ये रहा. Then 73 means 70 plus 3, and the last one 72 means 70 plus 2 will be your answer. Now we have to write the missing numbers. So here, as you all can see, 71 diya hai, so next will be 72. Okay, then 73, 74, next will be 75, 76, 77, 78, 79, and last is 80. Same way, 73 hai. Yahan pe do hume likhne jo blank hai. To aap ek kaam kijiye, iska before number likhiye. To 73 ke pehle aayega 72, aur 72 ke pehle aayega 71. Now 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80. उसी तरह आपको ये करना है अपने आप. ओके, लास्ट वन. नाउ पुट सर्कल अराउंड द ग्रेटेस्ट नंबर. मतलब जो तीन नंबर में से जो सबसे बड़ा है, सबसे ग्रेटेस्ट है, हमें उसको सर्कल करना है. सो आपको पहले भी सिखाया था कि जब नंबर्स दिए गए उनकी तो हाईएस्ट प्लेस कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पे है 7, सब दो दो डिजिट के, मतलब हम 10 से चालू को, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 7, यहाँ पे 8, तो दो में 7 7 है. बट हमें ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 8 है, तो 7 बड़ा है 8, तो 8 बड़ा होगा. सो 8080 विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर. सेम वे हियर 7 7 7, टेंस के प्लेस पे सबके 7 है. सो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन सा बड़ा है, क्योंकि कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, सब इक्वल है. तो हम नेक्स्ट प्लेस देखेंगे. सो हियर इट इज़ 3 5 और 4. अब 3 5 और 4 में से हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है. सो 5 बड़ा है, तो 75 विल बी द ग्रेटेस्ट. ओके, सेम वे आपको ये और ये अपने आप करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट विल बी पुट ट्राइंगल अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर. सो हियर स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 71. ओके, क्यों? क्योंकि अगर हम उनके फर्स्ट डिजिट कंपेयर करें तो सेम है. तो नेक्स्ट अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 3 और 4 है, तो 1 सबसे छोटा है, तो 71 विल बी द स्मॉलेस्ट वन. सेम वे सी, ये 7 है, ये 7 है, 7 टेंस के प्लेस पे सब 7 है. तो नेक्स्ट प्लेस कंपेयर करें तो यहाँ पे 6 5 और 7, तो 5 इज़ द स्मॉलेस्ट अमोंग दिस, तो दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वन, 75. उसी तरह आपको ये दो
होमवर्क में करने हैं। देन सक्सीडिंग मीन्स नेक्स्ट नंबर और आफ्टर नंबर, तो 74 है तो 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा और 7 एज इट इज़ लिखिए तो 75। सेम वे 8 है यहाँ पे वंस के प्लेस पे, तो 8 का 8 के बाद आएगा 9 और 7 एज इट इज 79। ओके फिर 76 है तो 6 के बाद आएगा 7 और ये आगे का वैसा रहेगा। देन 71 तो 1 के बाद आएगा 2 एंड 7 यू विल राइट एज इट इज 72। नाउ जब 9 आए वंस के प्लेस तो 9 को आप 0 कर दो और 7 का आफ्टर नंबर भी लिखो तो 7 का आफ्टर नंबर होगा 8, तो 8 इज द सक्सेडिंग। सेम वे प्रिसीडिंग मतलब उसका बिफोर नंबर, तो यहाँ पे 3 है, 3 से पहले आता है 2, 7 एज इट इज़ यू विल राइट 5, तो 5 से पहले आता है 4 एंड 7 यू विल राइट 74। ओके तो उसी तरह अब देखो जब 80 आए तब 0 मतलब हो तब, तो 0 के कुछ जगह पे आप लिखोगे 9 और 8 से पहले आएगा 7 तो 79 आप ऐसे याद रखेंगे। ओके चलो ये और आप होमवर्क करना। अब मिडल नंबर में क्या करेंगे, अब इसका आफ्टर ही लिखो तो 75 तो 76, 71 तो 72, उसी तरह आपको ये दोनों भी करने होमवर्क में। ओके गॉट इट, ओके गुड। देन जस्ट गो थ्रू इट एक बार, इसको देख लेना। ओके देन आई विल एक्सप्लेन इट दिस वन, दिस विल बी अ होमवर्क। ओके बाय, टेक केयर।